वेलकम टू मोमिन्स किचन। आज की हमारी रेसिपी है ओट्स उपमा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेंगी। ओट्स उपमा बनाने के लिए हम एक प्याज को फाइनली चॉप करेंगे स्क्वायर पीसेस में, एक टमाटर लेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे, तीखा आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून जीरा लेंगे, 3 से 4 काजू लेंगे और कुछ कड़ी के पत्ते लेंगे। बीस ग्राम उड़द की दाल को मैंने आधा घंटा पानी में भिगो कर रखी थी। 1 कप ओट्स लेंगे हम और 1/4 कप सूजी रवा यानी कि लेंगे। एक पैन गरम करेंगे हम और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल के अच्छे गरम होने पर हम इसमें जीरा डालेंगे, इसके बाद हम इसमें काजू डालेंगे और कड़ी के पत्ते डालेंगे और इन्हें बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर अच्छे से स्प्लैटर होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। हरी मिर्च उसे भी ऐड करेंगे और इन्हें बहुत ही अच्छे से तेल में मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को अब हम हाई करेंगे। दो से तीन मिनट के बाद हम इसमें उड़द की दाल जो है उसे भी डालेंगे। उड़द की दाल को बहुत ही अच्छे से इन इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। और हाई फ्लेम पर ही रहने देंगे हम फ्लेम को अब। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी प्याज के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम करेंगे। और इसमें सूजी डालेंगे यानी कि रवा और उसे हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। सूजी को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ओट्स डालेंगे और ओट्स को 1 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से हम भूनेंगे और बहुत ही अच्छे से हम सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करेंगे। नमक भी अब हम इसमें डालेंगे। क्योंकि मैंने 1 कप ओट्स इस्तेमाल की हूँ तो मैं 1 कप पानी डालूंगी और गैस की फ्लेम को हाई रखूंगी और अच्छे से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए पकाऊंगी हाई फ्लेम पर। जब ये अच्छे से पकने लगे तो गैस की फ्लेम को लो करेंगे हम और इन्हें कवर करके 3 मिनट तक पकाएंगे। 3 मिनट के बाद मैं चेक करूंगी और इन्हें बस थोड़ा सा स्टर फ्राई करते हुए ऊपर नीचे मिक्स करूंगी और उसके बाद में हम इन्हें वापस से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। अब मैं चेक कर रही हूं तो हमारी ये जो ओट्स उपमा है ये बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो गया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो गया है तो हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। और इस रेसिपी को आप भी बनाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।